बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। मुझे खूब जाने ये मंजिलें, ये शिकस्त पा कोई और है। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सूहे हरम चलो तो बना के सर को कदम चलो, ये रास्ता कोई और है। शाही उड़ा कैदी परिंदों को बताकर, शाहीन उड़ा कैदी परिंदों को बताकर के टकराओ सलाखों से, उड़ो हूं मैं नहाकर। घर बाजू में भरोसा है तो इंसाफ ना मांगो, वरना पछताओगे इस दौर में जंजीर हिलाकर। इंतहाई वाजिब एहतराम, मैं सबसे पहले मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जानिब से मुस्लिम तलबा महाज के जिम्मेदारान को, सेव गजा कैंपेन के जिम्मेदारान को, डॉक्टर आफिया मूवमेंट के जिम्मेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूं। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान की बाशऊर कौम गजा के साथ खड़ी है, फलस्तीन के साथ खड़ी है, हमास के साथ खड़ी है। आज का यह इज्तिमा फलस्तीन में बैठी उस बहन को सलाम पेश करता है। आज का यह इज्तिमा फलस्तीन में बैठे उस बूढ़े और बच्चे को सलाम करता है जिन्होंने अपनी जानें तो दे दी, अपना कीमती लहू जमीन पे उनका गिर गया, लेकिन वो अपने मिशन से एक मिनट के लिए पीछे नहीं हटे। मेरे दोस्तों, जब से गजा का मसला चल रहा है, फलस्तीन का मसला चल रहा है, एमएसओ पाकिस्तान के कारकुन रोडों के ऊपर हैं। वो ईद के दिन फैसल मस्जिद के अंदर हो, बादशाही मस्जिद हो, मजारे कायद हो, एमएसओ के नौजवान फलस्तीन के हक में निकले हुए हैं। सेव गजा कैंपेन के उनवान से बर के अंदर लोगों को शऊर दिया जा रहा है, लोगों को बेदार किया जा रहा है। प्रोडक्ट्स की बाइकाट की बात हो या कोई और चीज हो, इस उन्वान पर हम, इस उन्वान पर सारे मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं, यकजान हैं। आज का भी आपका ये पूरा स्टेज इस बात की अलामत है, इस बात की अकासी करता है कि फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान की यूथ सब यकजान और एक यक जुबान है। मैं आपसे कहूंगा खड़े होकर इस चीज की ताइद करें कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक काज को जिंदा रखा जाएगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक अंबिया की सरजमीन की हिफाजत की जाएगी, जिंदगी की आखिरी सांस तक अंबिया की उस धरती के लिए आवाज बुलंद की जाएगी और यहूदियों पर लानत की जाएगी। आज का यह इज्तिमा इस चीज की इस चीज का मुतालबा करता है और हुकूमत में बैठे उन काली बेड़ों को भी मुतनबे करता है कि खबरदार, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर कोई इसराइल को तस्लीम करने की बात करे, हम अवामी कुव्वत के जरिए ऐसे लोगों को इन मुल्कों से, इस मुल्क से, अपने इस पाक सरजमीन से बाहर निकाल फेंकेंगे जो इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा। क्या आप दायित करते हैं? इंशाल्लाह आप साथ देंगे, इंशाल्लाह आप ही वो जवान हैं जिन्होंने सेव गजा के उन्वान पर लोगों को शऊर देना है। अभी वो शऊर थोड़ा पहुंचा है लोगों तक, अभी हमें मजीद मेहनत करनी होगी, मजीद लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना होगा। और सबसे बड़ा पैगाम क्या है, खामोश पैगाम क्या है कि हमने प्रोडक्ट्स की बाइकाट करनी है, हमने हर उस प्रोडक्ट की बाइकाट करनी है जिसके पैसों से हमारी माओं बहनों का खून बहाया जा रहा है, हमने हर उस प्रोडक्ट के ऊपर लानत भेजनी है। मुसलमानों, तुम पेट पे पत्थर बांधो लेकिन फलस्तीन के मजलूम के साथ खड़े हो, कल क्यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह कल अल्लाह के हुजूर तुम खड़े होकर अपने आप को दिखाओगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि वहां पर फलस्तीन पर जुल्म था और हम यहाँ पर पेप्सी पी रहे थे, कोका कोला पी रहे थे, यहाँ पर इसराइल की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे थे। जब हम आपके पास ये दावत लेके आए कि प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें तो आगे से हमें समझाया जाता है कि मुतबादल कोई चीज नहीं, ये तो यहीं पाकिस्तान में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आपकी सोच पर अफसोस ही किया जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप नौजवान हैं, आप कौम का मुस्तकबिल हैं, आप ही वो लोग हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान के आलाउदों पर जाना है, आप ही वो इस्लाम पसंद लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर ला इलाहा वाला निजाम नाफिज करना है, आप ही वो लोग हैं जो इश्क रसाले से सरशार नौजवान जिन्होंने कल सहाबा इकराम की इज्जत और नामूस की बात करनी है,
आप ही वो लोग हैं जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक का निजाम इस मुल्क के अंदर नाफिज करना है। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का निजाम इस मुल्क में नाफिज करके दुनिया को यह पैगाम देना है। इस्लाम ही वो बेहतरीन मजहब है, इस्लाम ही वो बेहतरीन आइडियोलॉजी है कि जिसको हम अपना कर दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं, जिसको अपना कर मुसलमान बावकार जिंदगी गुजार सकेंगे। अगर हमने इस निजाम को और इस गलबा इस्लाम की जिद्दोजहद को छोड़ दिया तो जिल्लत मेरे भाई मेरे और आपके मुकद्दर में है। जो सोए हुए हैं उठेंगे जरूर, अदा फर्ज सुन्नत करेंगे जरूर, पतंगे शम्मा पे जलेंगे जरूर, फिदा अपनी जाने करेंगे जरूर, खजा कहो मौसम या फसले बहार, शहादत के गुंचे खिलेंगे जरूर। ये माना फिजा पर तेरा राज है, ये माना फिजा पर तेरा राज है, मगर फिर भी ताहिर उड़ेंगे जरूर। जिन्हें नाज हो अपनी ताकत पे वो हकट के जमीन पे गिरेंगे जरूर, हकट के जमीन पे गिरेंगे जरूर।